नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे आचार जागेंद्र मिश्रा चैनल पे दोस्तों यदि आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा चाहे भूखे मर जाना सोमवार के दिन भूल से भी मत खाना ये एक चीज महापाप लगता है घर में आती है दरिद्रता सोमवार के दिन भूल से भी नहीं करने चाहिए ये काम हमारे ज्योतिष शास्त्र और वास्तु शास्त्र में इस सृष्टि में घटने वाली प्रत्येक छोटी बड़ी घटनाओं का संबंध हमारे जीवन से जोड़कर देखा जाता है और फिर कुछ विशिष्ट गणनाओं के आधार पर उन घटनाओं का हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है इसका आकलन किया जाता है दोस्तों सप्ताह में सात दिन होते हैं जिन्हें बार कहते हैं रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार और शनिवार इन सात दिनों के विशिष्ट नाम है जो कि ग्रहों के नाम पर रखे गए हैं जिन्हें हम अपनी आँखों से देख सकते हैं हर बार का संबंध किसी किसी देवता के उपासना से जुड़ा हुआ है जिस देवता का बार होता है उस दिन उस दिन देवता की शक्ति अधिक बलशाली होती है और यदि हम उस देवता से संबंधित नियमों का पालन करते हैं तो हमारे जीवन पर इसका गहरा प्रभाव पड़ता है इसलिए यह हमें जानना जरूरी है कि किस दिन किस देवता की उपासना की जानी चाहिए और कौन से काम करने चाहिए और कौन से नहीं आज हम सप्ताह के पहले बार यानी कि सोमवार के दिन किस भगवान की करनी चाहिए कौन से काम करने चाहिए और कौन से काम नहीं करने चाहिए व्रत कैसा करना चाहिए कौन सा व्रत करना चाहिए क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए किस रंग के कपड़े पहनने चाहिए इत्यादि के बारे में बताएंगे जिससे कि सभी नियमों का पालन करते हुए अपने दिन की शुरुआत से लेकर ही रात तक अपने इस दिन को शुभ और बेहतर बना सकते हैं तो चलिए जान लेते हैं लेकिन दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसे शेयर करिए दोस्तों सप्ताह का पहला यानी सोमवार का दिन ये भगवान शिव की आराधना का विशेष दिन माना जाता है वैसे इस दिन अधिपति इसके चंद्रमा भी है इसलिए इसका नाम सोमवार रखा गया है इसलिए सोमवार के दिन भगवान शिव और चंद्रमा दोनों की ही आराधना की जाती है और व्रत रखा जाता है सोमवार को शिव जी के लिए रखे जाने वाले व्रत शीघ्र फलदायी होते हैं इसलिए शिव जी के भक्त इस दिन अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए तथा सुख समृद्धि के लिए शांति के लिए सोमवार का व्रत अवश्य रखें वैवाहिक जीवन सुखमय हो तथा अच्छा जीवन साथी मिले इस कामना के साथ कुमारी लड़कियां विशेष रूप से सोमवार का व्रत रखती हैं। दूसरी बात ज्योतिष शास्त्र में सोमवार के दिन विशेष रूप से भगवान शिव और चंद्रमा से जोड़कर देखा जाता है इसलिए इस दिन यानी ये सभी काम करने चाहिए जो कि भगवान शिव जी को प्रिय है और वो कभी काम नहीं करने चाहिए जो भगवान शिव जी को प्रिय नहीं है भगवान शिव के मंदिर में जाकर गंगा जल अर्पित करना चाहिए और भगवान को विशेष रूप से प्रिय बेलपत्र को जरूर चढ़ाना चाहिए शिव जी के चंदन का लेप लगाना चाहिए और आटे की पंजीरी का भोग लगाना चाहिए और रात्रि में चंद्रमा को अर्ध अवश्य देना चाहिए मीठे जल से इससे जीवन में सुख समृद्धि और धन की प्राप्ति होती है तीसरी बात भगवान शिव जी को सफेद वस्तुएं अत्यंत प्रिय है इसलिए सोमवार के दिन सफेद वस्तुएं जैसे कि दूध दही सफेद फूल इत्यादि को विशेष रूप से भगवान शिव जी को अर्पित करें और सफेद वस्तुओं का ही भोग लगाकर आप भी हो सके तो सफेद रंग की वस्तुएं अवश्य खाएं जैसे कि आप खीर मिश्री बतासा वगैरह अर्पित करके स्वयं भोग लगाकर खा सकते हैं शिव जी की कृपा आप पर अवश्य बरसेगी इसके साथ ही सोमवार के दिन सफेद रंग के वस्त्र धारण करना चाहिए और सफेद वस्त्र हो सके तो दान भी करना चाहिए अत्यंत शुभ माना जाता है चौथी बात वास्तु शास्त्र के अनुसार सोमवार के दिन किसी काम को लेकर घर से बाहर जाने से पहले अपना यानी कि चेहरा जरूर आप शीशे में देखें यानी अपना चेहरा शीशे में देखें और फिर आप बाहर निकले घर से तो बिना रुकावट के आपके काम पूरे हो जाएंगे और यश भी मिलेगा दोस्तों ये तो थे जो सोमवार के दिन करने चाहिए काम लेकिन कुछ काम ऐसे भी हैं जो हमें सोमवार के दिन कभी नहीं करने चाहिए सोमवार के दिन मांस का सेवन करना अनुचित है इसमें विपरीत यानी इसके विपरीत इस दिन शिव जी का व्रत करना चाहिए या फिर शुद्ध शाकाहारी रहें सात्विक आहार लें जैसे कि दूध दही फल इत्यादि का सेवन करना चाहिए दूसरी बात काले रंग के कपड़े सोमवार को बिल्कुल भी ना पहने शिव जी के मंदिर में बिल्कुल भी ना जाएं काले कपड़े पहनकर महिलाओं को सोमवार के दिन बाल भी नहीं धोना चाहिए तीसरी बात सोमवार के दिन किसी का अपमान ना करें अब शब्द का प्रयोग ना करें दुर्व्यवहार अत्याचार तथा अनाचार ना करें यू तो सर्वदा वर्जित है लेकिन फिर भी शिव जी के क्रोध से बचने के लिए विशेष रूप से सोमवार को किसी भी प्रकार का अनैतिक कार्य ना करें चौथी बात शिव जी की पूजा के साथ नंदी महाराज की भी पूजा जरूरी है शिव पशु प्रेमी है इसलिए सोमवार को चार पैर वाले किसी भी पशु का और विशेष रूप से नंदी बैल का अपमान या उनके साथ दुर्व्यवहार ना करें पांचवी बात नित्य पूजन करते समय ध्यान रखिए कि भगवान शिव जी को केतकी का फूल कुमकुम -कुम, तुलसी के पत्ते खंडित बेलपत्र या खंडित चावल भूलकर भी ना चढ़ाएं और शंका से जल अर्पित ना करें तो दोस्तों जरूर आप मांसाहारी ना खाएं, बगर यानी कि आपको मांस वगैरह का सेवन नहीं लेना है और केतकी फूल वगैरह नहीं चढ़ाना इससे शिव जी क्रोधित हो जाते तो दोस्तों सोमवार के दिन इस दिन के स्वामी शिव और चंद्रमा की आराधना करेंगे और व्रत करें शिव मंदिर में जाएं, साफ मन से दिन में कई बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें तो भोलेनाथ आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करेंगे तो दोस्तों सोमवार के दिन मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल ना करें पाप लगता है घर में दरिद्रता आती है और भोलेनाथ क्रोधित हो जाते हैं और केतकी फूल कुमकुम तुलसी बिल्कुल भी ना चढ़ाएं भोलेनाथ को तो दोस्तों कैसे लगी जानकारी कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक दोस्तों को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए हर हर महा